उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने लघु सचिवालय परिसर में फसल अवशेष प्रबंधन का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई और किसानों को संदेश दिया। ये वैन जिला के सभी खंड मुख्यालयों पर जाकर किसानों को पराली न जलाने और इससे धन कमाने बारे जागरूक करेगी। इसके साथ साथ एक छोटा प्रचार वाहन भी गाँव गाँव जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगा। इस मौके पर उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये विषय किसानों के लिए बहुत अहम है। दो वर्षों के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किसानों ने जिस तरह जिला में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर भी कृषि मशीनों का प्रयोग किया है, उससे फसल अवशेष अथवा फानों में आग लगने के मामलों में 40-50% तक की गिरावट आई है। उन्होंने फसलों में आग लगाने की प्रवृत्ति को एक गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारी यही अपील है किसानों से कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जो मुद्दा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 2-3 वर्षों से उठाया गया है कि पराली ना जलाएं, जिससे होने वाले प्रदूषण में कमी है, उसको ही ध्यान में रखते हुए जागरूकता को एक विषय मनाते हुए हमने आज यहाँ नाबार्ड के साथ में एक वैन को यहाँ लॉन्च किया है, जो 230 कैंप करनाल ज़िले में लगाएंगे और उसके साथ साथ आगे बाकी भी जो ज़िले हैं जहाँ पर पैडी उगाई जाती है उसमें भी जा जाकर गाँव में लोगों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में और फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण और बीमारियों के बारे में अवगत कराएंगे। तो इसमें पिछले 2 सालों से जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है फसल अवशेष प्रबंधन में काफ़ी पैसा आया है, जिसमें इस तरह के जो फार्म मशीनरी है जिससे पराली ना जलानी पड़े उसके कई सब्सिडीज़ भी दी गई हैं। लगभग उदाहरण के तौर पर हम देखें तो 260 हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं करनाल ज़िले में जो बनाए गए हैं और लगभग 600 के करीब इंडिविजुअल फार्मर्स ने भी इन तरह की मशीनरी को पिछले 2 साल में सब्सिडी के माध्यम से खरीदा।